आई एम प्रदीप नाम्बियार, नेशन नाउ के लिए मैं प्रदीप नाम्बियार बोल रहा हूँ। वी आर हियर विद द वाल्मीकि बस्ती, ये इनका लोकल समस्या है। वाल्मीकि बस्ती इट्स अ काइंड ऑफ कास्ट, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। वाल्मीकि what we are trying to understand is in human cycle years sometimes centuries passes wayward time and then comes a moment marked by growing consciousness that era is emerging and mankind is moving in a new direction. Humanity today is restlessly groping its way to the unity of mankind. Valmiki ab samaj ka takleef, Valmiki samaj mein bahut takleef hai, aaiye aap bataiye aaj संविधान बना, देश आज़ाद हुआ, इतने सारे साल हुए और उसके बाद अब भी समस्या है, बोलिए। सर समस्या हमारी बहुत ही है, जो सरकार के आंखों तक या कानों तक नहीं पहुंच पा रही है और पहुंचती भी है ना सर, वो लिखित रूप में अगर दे भी देते हैं ना, वो कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। तो कचरे के डब्बे में डालना मतलब सर हमारी यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर हमसे वोट लिया जाता है सिर्फ, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, कोई भी पार्टी को कहीं पे ही वोट देता है, लेकिन हमसे वोट लेते हैं फिर बाद में तुम कौन हम कौन। तो सर हमारा मुद्दा ये है कि हमारी जयंती बाबा जी की जयंती आ रही है, वाल्मीकि भगवान की जी की जयंती आती है, सब लोग भगवान वाल्मीकि जी का नाम तो लेते हैं बहुत अच्छे से, हाँ सब जगह चलते हैं, लेकिन यहाँ पर जयंती की छुट्टी नहीं मिलती हमें। और हमारे जो सफाई कर्मचारी, जो हमारी माता है, हमारी बहनें हैं, सुबह 5:30 बजे निकलती है। आज कोरोना काल में भी उन्होंने काम किया सर, काम करने के बाद भी उनको बिल्डिंगों में से कह दिया कि आप घर पे बैठो, कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं। तो सर हमारा असंगठित कामगार जो हमारे हैं लोग, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है सपोर्ट, तो सर कैसे सपोर्ट मिलेगा और हमारे समाज के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया, कि कोरोना काल में आपके जो समाज जो सेवा करते हैं, गली गली सोसाइटीज में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो उनको बोला कि घर पे बैठो। हाँ सर, उनको बोला घर पे बैठो और उनको बोला कि पगार नहीं मिलेंगे। पगार मिला कि नहीं? पगार लोगों को नहीं मिला पगार। एक मिनट, ये लॉकडाउन के टाइम थे तो वाल्मीकि समाज के लोग सर्विस करते हैं, गली गली जाके साफ सफाई करते हैं, बिल्डिंगों में साफ सफाई करते हैं, BMC में साफ सफाई करते हैं। आपको कहा गया कि आप घर पे जाके आप आना नहीं, आपको बाहर निकलना नहीं है और पैसे भी नहीं दिए आप? नहीं दिया सर, कुछ नहीं दिया। काम किया हमने, इतना लोग डोंगरा खूब काम किया, किसी ने ये नहीं बोला अकाज तुम नहीं आओ और तुम्हारे पास खाने को नहीं है तुम देंगे, तुम लोग घर पे बैठ के खाओ, किसी ने कुछ नहीं बोला हम लोग को। कैसे काम करते हो, कौन कौन से काम करते हो आप लोग? हमारा क्या काम है सर, क्या काम कर सकते हैं? हमारा झाड़ू का है, कचरा लेने का है, हैं ये काम हम करते हैं सर, बाथरूम धोते हैं, हैं उन लोग का इतना साफ सफाई करते हैं, फिर भी हमारी कदर नहीं है, अतः हमारा क्या गरीब आदमी का क्या गुजारा होता है इधर? दिस इज अ रियली बिग इशू। दे क्लीन ऑल प्लेसेस, गार्बेज उठाते हैं, हर चीज साफ सफाई करते हैं, पूरे घर साफ सफाई करते हैं, एरिया साफ सफाई करते हैं। कोरोना काल में भयंकर इफेक्ट हो चुके, दे वो बैडली अफेक्टेड, और उनको कहा गया कि एरिया में मत आओ, साफ सफाई उनका बंद हो गया, काम व्यवसाय बंद हो गया, उनको पैसे नहीं मिला, दे हैव नॉट गॉट। आप कुछ ऐड करना चाहोगे कि क्या क्या इस? बोलिए। बस तो ये पैसे आप लोग को मिले कि नहीं? पैसे महिला है, जो माता है, बोलिए। कंट्रैक्ट लिया है तो बातें कंट्रैक्ट लिया था, तारी जरूरत नहीं है, हम कंट्रैक्ट वाले ने बांट ले जब भाई हम न काट दे हैं। तो कहाँ काम करते थे आप? हमको निकाल देते हैं, रोटी काम करते हैं, पटेल सोसाइटी गुजरात इधर काम करते हैं हम लोग, हमारा बिल्कुल कदर नहीं है सर काम पे, हैं खाने को हम लोग कुछ देते नहीं है और काम के टाइम पे बोलते काम पे नहीं आते, काम करो तो हम लोग कैसे करेंगे, फिर हम बोलते तो नहीं आएंगे तो बोलते हो दूसरा लाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। आप भी वहीं पर काम करते हो? हाँ, वो पार्ले में ही काम करते हैं हम लोग। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे तो दस आप देख रहे हो कि कैसे समस्या है। वाल्मीकि समाज को आज भी शोषित समाज है, उनको ढंग से एक जो प्रॉपर चैनलाइज्ड उनका सर्विस नहीं है, सरकार मान्यता नहीं दे रहा है। आप जैसे पूछ रहे थे कोई गारंटी नहीं है कि काम आज काम से निकला परमानेंट है, आपको पैसे मिलेगा, आपको मिनिमम वेजेस मिलेगा, ये कुछ भी नहीं है सर। सरकार है ना सर, एक फंड रिलीज कर देती है, पर वो फंड जो होता है ना सर, वो ऊपर की ऊपर कहाँ जाता है पता नहीं,
ये गरीबों तक नहीं पहुंचता, ये समाज के लोगों तक नहीं पहुंचता, ये समाज के लोगों को अशिक्षित इसीलिए है सर। अभी आपने सुना होगा ये सफाई कर्मचारी जो है ये अपने पेट भरने के लिए सफाई करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बच्चे की फीस आज की तारीख में आपको भी पता होगा सर, ना हमको पढ़ाई का एजुकेशन का कुछ फैसिलिटी है, ना हमको मेडिकल फैसिलिटी है। सिर्फ कोरोना काल में अगर मान लीजिए अगर हमने काम भी किया है ना सर, तो बोलेंगे आप एक काम करो, आप घर पे बैठो, हम कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। तो सर मुझे एक बात बताइए, जब ये सफाई कर्मचारी को अगर कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाएंगे तो हमारे जो समाज के लोग हैं, बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आगे जाके इनको कुछ भी बनना होगा तो कैसे बनेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बच्चे जो पढ़ते हैं उनका फीस भी भर नहीं पाई, भर नहीं पड़ता। आप चाहता हो कि सरकार इसके बारे में सोचे कि ये फीस नहीं भर पा रहे, कैसे भर पाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट आ जाता तो कैसे भर पाएंगे? आपको काम ही नहीं मिल रहा तो फीस कैसे भरेंगे? अब ये छोटे छोटे बच्चे, दिस आर द किड्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। वाल्मीकि समाज के छोटे छोटे बच्चे हैं, लॉकडाउन में बहुत इनको तकलीफ हो गया, इनके धंधा व्यवसाय पूरा बंद हो चुका है, लोग बोले इनको आना नहीं है, और आना इनके करते छोटे छोटे साफ सफाई के कार्यक्रम, छोटे छोटे साफ सफाई करते हो आप लोग, साफ सफाई आपको जगह जगह उन लोगों ने बोल दिया कि आना नहीं है, आपको यहाँ पर आना नहीं है, और आना नहीं है करके आपको वेतन भी नहीं दिया, आपको पगार भी नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, और अभी आप लोगों को तकलीफ है, ये बच्चों को पढ़ाए कैसे? ये बच्चों का फीस, प्राइवेट में भी बच्चे पढ़ते हैं उनका भी फीस माफ नहीं करे तो गरीब इंसान कहाँ से देगा ये बता तुम? अभी एक एक चीज की ऐसी मुसीबत आई है, कोई देखने को नहीं था इधर, कोई देखने नहीं, कोई नहीं आता है तो खाली खिचड़ी पकड़ा देते थे, लॉकडाउन में खाओ पड़े रहो, ये कोई होता तो खिचड़ी है? हाँ खिचड़ी देते थे, और चावल है भाई ले, नाश पानी है लो, लेकिन बच्चों का कोई घर का कुछ करने का साधन था, कुछ भी नहीं था। उसमें क्या होता है, धंधे वाले भी वैसे ही बैठे, बगैर धंधे वाले भी वैसे ही बैठे हैं, तो क्या करें? अभी तक भी हमारे बच्चों के पढ़ाई के फीस अब लटक रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों के फीस हमको भरना पड़ता है लॉकडाउन पे भी, उसमें भी फिर ये बच्चों का फीस अब तक भरा नहीं है, फिर ये पढ़ेंगे कैसे? आपका ये तकलीफ है। बोलो बोलो बोलिए। मेरे लड़के दो है, एक 12 साल का, एक 15 साल का है, अभी ऑनलाइन पढ़ाई बोल रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ से कराएंगे? ओके, हमारा 8000 पेमेंट है, तो उसमें हम लोग ऑनलाइन कहाँ से पढ़ाई कराएंगे सर? तो ये क्षेत्र में आपका करीबन 7000-8000 वाल्मीकि जो पॉकेट्स में है, तो यहाँ पर करीबन 8000 फैमिलीज रहते हैं, 8000 आस के आसपास, और सबका इनका ये तकलीफ है, बोले कि पगार ढंग से मिलता नहीं मिलता, मगर हाँ बोलिए। तो सर वही बोल रहा हूँ मैं, क्या मेरा ये है क्या हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ से करेंगे? पेमेंट हम लोग का बराबर है नहीं, ऑनलाइन करेंगे कैसे? कंप्यूटर आपको लाना पड़ेगा, लैपटॉप आपको देना पड़ेगा सर, रिचार्ज आपको भी पता होगा सर, एक रिचार्ज कराते वो भी 300 रुपए नॉर्मली आता है, कि ये बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे? ये बच्चे कल लग, तो आपको अभी काम है कि नहीं, जहाँ पटेल सोसाइटी वगैरह गए थे? 40 साल से मैं काम करती हूँ, 40 साल से आप काम, और मेरा काम मैं दूसरी और को घुसा ली है नारी स्टेट कंपनी में, और मेरे को निकाल दिया। आपको निकाल दिया? हाँ, और 40 साल से मैं काम कर रही हूँ, 40 साल से आप काम, हाँ, और मेरे को निकाल दिया और दूसरी बाई को लगा लिया, वो कौन सा मतलब हो गया उन लोग को? तो ये आपका कहना है कि वाल्मीकि समाज के खिलाफ एक अन्याय हो गया? हाँ, और सरासर अन्याय है, अन्याय, हाँ, हमारे साथ में अन्याय हुआ, बहुत बड़ा अन्याय हुआ, पेंशन भी बन जाए तो अच्छी बात है, पेंशन तो है ही नहीं, पेंशन ऐसे कोई भी सुविधा आपके पास है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बिकॉज आप जो गरीब काम करते हैं, एरिया साफ करते हैं, कचरा उठाते हैं, जिसके सर आदमी नहीं है उनको खाने को तो चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए ना, हाँ? तो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए भाई, इनका पेंशन बनाए, पेंशन बांधो हम लोग का, हैं? गांव में पेंशन है, सब जगह पेंशन है, मगर बम्बई में पेंशन क्यों नहीं है? ये जवाब मिलना चाहिए हम लोग को सर, ये जायज है, जायज है, जायज है, आपके वोट देते ना, वोट लेने के लिए बराबर आते है, लेकिन ये पेंशन बनाने के लिए कुछ करने के लिए क्यों नहीं गरीब आदमी को देखते? तो ये वाल्मीकि समाज जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, साफ सफाई करते हैं, दबाव कैसे डालते हैं एरिया में जाके आप साफ सफाई करते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, गार्बेज सब उठाते हैं लोगों का, मगर आपका कोई सुरक्षित कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सर, कोरोना काल में सर आदेश से जा रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी क्या बच्चे पढ़ नहीं सकते? पढ़ना चाहिए, स्कूल में नहीं जा सकते? बिल्कुल जाना चाहिए, जा सकते हैं ना, तो कुछ नहीं है, क्यों नहीं है? किस चीज में हम आगे नहीं है? वोटिंग देने में आगे हैं, सब चीज में आगे, किसी चीज में पीछे नहीं है हम लोग, सब चीज में पूछे जाते हैं, तो हमको क्यों नहीं पूछा जाता कुछ सवाल?
देने के लिए। यानी एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाई और शिक्षा के लिए आपको कोई सुविधा नहीं? कुछ नहीं। आपको पेंशन नहीं है? कुछ नहीं। आपको बेसिक जो मिनिमम वेजेस है वो नहीं मिल रहा है, यानी बहुत सारे समस्या से पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? फोड़ फोड़ खाए नहीं, पढ़े लिखे जो बच्चे इतने इतने पढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे वो लोग, क्योंकि सब चीज कॉन्ट्रैक्ट का। छोटे छोटे जो पढ़ लिख के कभी बनेंगे तो कुछ नहीं बनेंगे, वो लोग पीछे रहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाल्मीकि समाज का जो पैसा आता है तो कॉन्ट्रैक्ट वाले आपको पगार भी नहीं देते? कुछ नहीं देते, वो काट के देते। उन लोग का क्या हिसाब है? इंसान है जो 10,000 का पगार है दे रहे हैं आगे से, तो हम लोग को 5,000 में करवाते हैं वो लोग। अच्छा, और बाकी पैसे अपने पास रख लिए? रखते हैं वो लोग। तो आप कुछ बोल रहे थे, तो करता है ना काम करेगा। आपको ऑनलाइन सब तकलीफ है, बच्चों को लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, ये गरीब समाज के लोग कैसे ऑनलाइन शिक्षा? अभी तो फिलहाल स्कूल खुल गए, बट वापस आपको लगे कि वापस अगर कुछ लॉकडाउन हो गया फिर वही तकलीफ होने वाले? जी सर। तो लेकिन सर पढ़ाई एजुकेशन का कोई सब्सिडी आपको ऐसा कुछ मिल नहीं रहा? नहीं मिल रहा है सर, हमारी जो समाज का जो मिल रहा है ना सरकार देती है हमें, वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है। पैसा जो मिल रहा है वाल्मीकि समाज का जो पैसा मिलता है वो नहीं मिल रहा हमें। अच्छा, ये बस्ती में आपको कोई सुविधा वगैरह है कि नहीं कुछ सर? सुविधा अभी बाथरूम भी नहीं है उसके अंदर है, ये दो अभी बस्ती बनी है ना, बाथरूम भी नहीं है उसके अंदर, पैसा देना पड़ता है, जाते तो 5 रुपए लेते हैं। अच्छा हाँ, और पीने का पानी आ रहा है? पीने का पानी आ रहा है सर। यहाँ की जो नगर सेविका ने सर आपका वो प्रोसीजर तो बहुत पहले से हो गया था लाइट का, मैडम लाइट भी लेके आ गई यहाँ पर, और कल मीटर का लाइन चालू हो गया सर। तो सर मतलब ये है कि नगर सेविका जाग गई पर MLA MP सो रहे। अच्छा। तो सर मैं पॉलिटिकल के बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ये कहना है उद्धव जी से, उद्धव ठाकरे साहब से एक निवेदन करूंगा, सरकार आपकी है सर, कि आप हर चीज पर उंगली हर किसी विपक्ष के लोगों पर उठा चुके हैं, मतलब पार्टी एक दूसरे के ऊपर उछालती है, ये आपने ये कर दिया वो कर दिया। हमारे वाल्मीकि समाज की जो महिला है उनकी पेंशन चालू हो, बुजुर्ग महिलाओं को जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए, उनके बुजुर्ग महिलाओं ने जो वोट दिया है आपको यहाँ पर सरकार तक लाए, उनको सुविधा मिले। हमारे जो बच्चे हैं अनएजुकेटेड है उनको एजुकेटेड हो, और उनको सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी तो सर भूल जाइए, आज महाराष्ट्र में वाल्मीकि समाज के लोग सरकारी नौकरी भूल जाइए, जाते हैं तो सर वहाँ पर सिर्फ नाम के लिए, नाम दूसरा काम वो हमारे ऐसे लोग करते हैं सर BMC में। मैं आपके पास आता हूँ, आप कुछ बोल रहे थे? आप कहाँ पर कुछ काम करती हो? बच्चे लोगों में काम करती हूँ, अपना घर का काम करती हूँ, इधर कचरे का अपने बच्चे पालती हूँ। बाढ़ भी पड़े हुए बच्चे हमारे घरों में बैठे हुए हैं, उनको भी नौकरी नहीं है। हमारे बच्चे एयरपोर्ट में पढ़ते हैं, उनका अभी तक का भी बच्चे लोग का फीस नहीं भरा गया है कोई भी चीज़ों से। तो हम भी लॉकडाउन में हम दोनों मियाँ बीवी क्या करें, जब बड़े बड़े जवान बच्चे घरों में बैठे रहेंगे तो बूढ़े बुजुर्ग क्या करेंगे, उनके औलाद को भी हमको पालना पड़ेगा। तो अभी स्कूल तो खुल गए हैं बच्चों का? स्कूल का अभी खुलेंगे नहीं, दिवाली के बाद छोटे बच्चों के स्कूल खुलने वाले, छोटे बच्चे के। हाँ। मगर ऑनलाइन आपको नहीं जमेगा, ये ऑनलाइन लैपटॉप कंप्यूटर कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे, फिर भी भर रहे उतने इस पे, चलो हमारे बच्चे डाल दिए हमने तो कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत तो पैसा कर रहे। बट आपको चाहिए कि सरकार इसको हर चीज मुफ्त करे, जो एजुकेशन है उस चीज को मुफ्त करे। देव गोड़ वेरी वैलिड पॉइंट, वाल्मीकि समाज, गरीब तबके के समाज, शोषित समाज, उनके बच्चे को पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, आज भी फीस ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बिकॉज दे डू ऑल स्मॉल काइंड ऑफ वर्क, झाड़ू काता मारना, एरिया साफ करना, कचरा उठाना, ऐसे काम है। तो हम लोग बोलेंगे बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ? सरकार की तरफ से सब्सिडी होना चाहिए या मुफ्त होना चाहिए शिक्षा? एक्चुअली मुफ्त होना चाहिए। आप कुछ बोल रहे थे? जो लटेर होते हैं ना तो उस पर परमानेंट भी नहीं करते हैं, लेते भी नहीं है ड्यूटी पे, और जो क्या आदमी मर जाता है उसको भी नहीं लेते काम पे। लेना चाहिए ना, जो आदमी मर गए उसको काम पे नहीं लिया मेरा, दूसरे किसी को काम पे नहीं लिया? नहीं। अच्छा। किसी को भी नहीं लिया, मेरे लड़के को भी नहीं लिया, किसी को भी नहीं लिया मेरा आदमी। 40 साल काम नहीं, मेरा आदमी भी गुजर गया एयरपोर्ट में, काम पे नहीं लिया मेरा लड़का। और कुछ बोल रहे थे? ये क्या बोल रहे थे आप? कहाँ 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 काम कर, आप भी किसी काम करते हो कहाँ पर? बच्चों को बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे स्कूल जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं? इतनी देर स्कूल में जाते बंद पड़ा है, स्कूल बंद पड़ा है और यूँ बंद पड़ा। अच्छा, तो और उनके फीस वगैरह कैसे होता है? फीस भरते हैं कि नहीं? फीस कितना भरेंगे जब काम कोई करने नहीं देता, फीस कितना भरेंगे? फीस तो भरी नहीं पाते, काम नहीं है तो बच्चे लोग नहीं, काम नहीं है तो बच्चे लोग का ट्यूशन का फीस कैसे भरेंगे? जब काम ही नहीं है, दो साल से काम नहीं है, घर में बिठा दिया है सबको, बोले कि लॉकडाउन बंद खत्म होएगा जब ही आपको काम पे बुलाएंगे। अच्छा। लेकिन अभी तक हमको काम पे बुलाया नहीं है, जिधर 27 साल से मैं सांता क्रूज में काम कर रही हूँ, अभी तक बुलाया नहीं है। 27 साल से मैं काम कर रही हूँ एक ही घर में, एक ही घर में,
और दो साल से घर में बिठाया है। अभी हमारे बच्चों को फीस नहीं है। हम लोग ट्यूशन भेजते तो फीस किधर से देंगे? जब खाने को बराबर टाइम पे नहीं है तो उन लोग को फीस किधर से आएगी? बच्चे लोग को बुक नहीं आता है, पेंसिल नहीं आता है, पैसे बिगर क्या आएगा? तो ये एक विषय, क्या आपने ये जो वाल्मीकि, अभी वाल्मीकि समाज आप पूरे मुंबई में देखेंगे बहुत सारे जगह पर, सब जगह बसा हुआ है सर, जैसे मीठा नगर हो गया, गोरेगांव मीठा नगर हो गया, माटुंगा लेबर कैंप हो गया, बामनवाड़ा हो गया, फिर बाद में आप यहाँ पे घाटकोपर चले जाओ, फिर मुलुंड चले जाओ, हर जगह पे हमारे नई नई के 4.5 लोग यहाँ पर मुंबई में रहते हैं वाल्मीकि समाज के लोग, पर यहाँ पर हमसे वोट लिया जाता है और हमारे लोगों को अनएजुकेटेड करके पीछे रख दिया जाता है। और नेता लोग तो छुआछूती कर रहे हैं हमारे साथ में तब से लेके अब तक। दोस्तों ये पार्टियों में हमें लालच दे के ले लेते हैं, लेकिन हमारे लोगों को लालच देने के बाद जो अब कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट में पूरा नहीं करते दोस्तों। इसलिए मेरा ये कहना है सरकार से कि आने वाले टाइम पर हमारे लोगों को सुख सुविधा दीजिए, नहीं तो हम हर किसी पार्टी को निषेध करेंगे और हम किसको वोट नहीं करेंगे। आपको सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए, हम वोट नहीं करेंगे। जो हमको सुविधा करेगा हम उसको वोट करेंगे, हमने तो किसी को वोट नहीं करेंगे। सुविधा चाहिए। मैं पोस्ट ऑफिस में 25 साल काम कर चुकी, 25-30 साल उधर पेंशन बांधा नहीं और काम से निकाल दिया मेरे को। काम से निकाल दिया? हाँ निकाल दिया। भांडुप में काम पे थी मैं। अभी काम पे ही नहीं, ना पगार अभी, मिल रहा, ना कुछ, नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है मेरे को। ये बहुत सारे इश्यूज है। आप लोग सब ग्रसित, आप चाहते हैं कि सरकार कुछ करे आप लोग के लिए? 15 साल हो गया काम करती थी, काम पे से निकाल देंगे। आपको काम से निकाल दिया? नहीं नहीं, काम धंधा कुछ नहीं है। और 15 साल हो गया मेरे को निकाल दिया, 20 साल हो गया मेरे को काम करती, दूसरे को रख लिया, अभी मेरे को नहीं ले रहे हो लोग काम पे, अभी घर पे बैठी हूं मैं। आप चाहते हैं कि सरकार कुछ फैसिलिटी दे, आपको सुविधा दे? कंट्राक हो गया तो आप लोग सबको निकाल दिया? हम लोग ने और बाहर काम किया, क्यों धक्के मारा? 3 महीने का बोल के निकाला, 3 महीने दो निकाला था पूरा, अभी 3 साल हो गया निकाल दिया उसने, एक साल हो गया सर हम लोग को। और अभी ना नौकरी है, नहीं कुछ है, कुछ नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे कुछ आपको मालूम नहीं है? और पूरा 18 साल काम किया हम लोग, 3 साल हो गया, अभी 3रा साल चालू हो गया। करेगा सर, अपना कागज पत्र चुन के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने पास कुछ नहीं है सर। तो ये अभी लास्ट फेज पे आ जाते हैं, आपने समाज के तरफ से आप क्या रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो? आप भी कांग्रेस से रिलेटेड हो, अलग अलग पार्टी है, एमपी एमएलए है, इस बस्ती का, इस समाज वाल्मीकि, इतना जूना काम है तो उसमें हम 2 साल से घर में बैठे, कम से कम हमको एक पगार नहीं तो आधा पगार तो भी दो, आधा पगार हमारा चालू रखो, हमारे बच्चों का ट्यूशन हम कर सके, बच्चे लोग को कुछ पढ़ा लिखा सके। सुविधा चाहते हो? सब लोग सुविधा चाहते हो? सुविधा चाहिए सबको, सुविधा चाहिए सबको, सुविधा चाहिए। आप सरकार से सुविधा चाहिए, सुविधा दो आपको, नहीं तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। बच्चों को वोटना, बच्चों को एजुकेशन है, जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, बच्चों का शिक्षा, खाना पीना। लास्ट वर्ड लेते हैं आपसे, आप क्या सोचा सरकार से, क्या प्रेजेंटेशन सर? अगर सरकार, अगर सर आपके चैनल के माध्यम से सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा उद्धव जी से कि सर हमारे वाल्मीकि समाज का कोई भी एक अच्छा, कोई एक अच्छा इंसान चुनकर पार्लियामेंट में बैठाइए, पार्लियामेंट में बैठकर वो हमारे लोगों की कुछ सुख सुविधा के लिए कुछ विचार करेगा। एक सेकेंड वो विचार करेगा हमारे बच्चों के लिए, हमारे फैमिली के लिए, एक कोई लीडर तो हो, तो हमारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक लीडर हमारा जो पार्लियामेंट में बैठा है कि सर हर किसी को मंत्री बना दिया जाता है, पैरट सूट से बुलाकर उसको मंत्री बना देते हैं, पर कैसे है? वो पैसा देकर। लेकिन हमारे समाज के लोगों के पास पैसा नहीं है तो ना हम नगर सेवक है, ना हमारा MLA है, ना MP है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम किसके पास रखें ये कि हमारे लोगों को सुख सुविधा मिले सर? ये हम लोग इस चैनल के माध्यम से the powers of corridors of power, we will take up this matter. We will see that some kind of justice has to ensure to the Valmiki Samaj. ये गरीब समाज है, दबके समाज है, पिछड़े समाज है, इनका कुछ protection होना चाहिए। बच्चों का शिक्षा है, खाना पीना है, permanency of jobs, continuation of jobs. We will fight. We will take this matter and we will ensure. बोलिए। एक request और है सर, जो इंदिरा नगर जो उत्तर प्रदेश में जो प्रियंका गांधी जी ने एक वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए झोपड़ में जाके उनसे साथ मिले, झोपड़ में साफ सफाई की, तो मैं प्रियंका गांधी जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर हमारी सरकार है तो आपसे निवेदन है, जितने कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर है वो बस्ती बस्ती जाकर हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों से मिले
और मिलने के बाद उनकी जो प्रॉब्लम है वो आगे तक पहुंचाए और यहाँ पर हमारे लोगों को आने वाले टाइम पर विधान जो महानगर पालिका का जो इलेक्शन होता है हर किसी को कैंडिडेट को वहाँ पर खड़ा किया जाए तो कैपेबल समझ जाएंगे, क्योंकि सर वो केजरीवाल ने समझ लिया था इसलिए झाड़ू का चिन्ह लेकर आज वो मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली में, तो यहाँ पर क्यों नहीं बना सकते हम अपना मुख्यमंत्री सर? Yes, we will take this. This is a right, very right point. वाल्मीकि समाज को अपना अपना जो हक है, अपना इज्जत है वो मिलना चाहिए. We'll work for it, we'll fight for it. As the law is the crystallization of habits and thoughts of the society. As a society degenerates, its moral fibers impact. That's what they say. But इस समाज को हम कैसे न्याय दे, इस चीज को हम लोग बार बार आके इसको हाईलाइट करेंगे. Corridors, power, parliament and the state assembly. We will be fighting and taking up these issues. That's all from Pradeep Nambiar and this entire group of the Valmiki Samaj from here in Andheri, East Chakala. That's all. Thank you, dhanyawad. Jo aapki baat hai na sarkar tak pahunche.